आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 9, 12, 16 एंड 21। तो क्वेश्चन नंबर आया जाए 2 पे, क्वेश्चन 2 बोल रहा है आपको करंट आई फ्लोस थ्रू अ वायर ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, एक वायर है ना, इस वायर का डायमीटर कितना है, डी है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। आगे लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी करके। सेम करंट विल फ्लो थ्रू वायर ऑफ डायमीटर डी बाय 2। अब क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, डायमीटर अब डी की जगह लेट्स से हमारा डी बाय 2 हो गया। उतना ही करंट आई फ्लो कब करेगा, जब है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो यहाँ पे वी डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हम ये बात करें ये वी डी कितना होना चाहिए। तो लेट्स से हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट है आई इज इक्वल टू एन ई ए इन टू वी डी। अब सेम है ना, करंट फ्लो कर रहा है आई, सेम इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम बात हो रही है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया की बात करूँ यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होता है ना, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। डायमीटर आधा अगर हो गया तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ का स्क्वायर क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो ये वी था, ये कितना हो गया आपका 4v हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी हो गई, 4v हो गई। डायमीटर हाफ हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4v हो गई। दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा निकल के आया डी करके। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 करके। तो 4 बोला है एन इंसुलेटिंग पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए कंटेन्स एन इलेक्ट्रोलाइट विच हैज 2 टाइप्स ऑफ आयंस, देयर चार्जेस बीइंग माइनस ई एंड प्लस 2e। तो एक पाइप है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है, इसमें 2 आयंस हैं जिसका एक का चार्ज है माइनस ई और दूसरे का चार्ज गिवन है आपको प्लस 2e करके। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन एंड्स ऑफ द पाइप रिजल्टिंग इन द ड्रिफ्टिंग ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आयंस हैविंग ड्रिफ्ट स्पीड वी नेगेटिव आयन का है ना एंड वी बाय 4 पॉजिटिव आयन का। तो लेट्स से हम बोल देते हैं ये V से पीछे की तरफ मूव करेगा और है ना ये आपका पॉजिटिव वाला आयन जो है वो V बाय 4 से आगे की तरफ मूव करेगा। जब हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यहाँ पे आपको बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो लेट्स से इस बैटरी आपने यहाँ अप्लाई किया हुआ है कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव ये टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ आयंस हैव सेम नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो n है ये दोनों के लिए सेम है। करंट फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज, तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, तो इसके कारण करंट आगे और इसके कारण भी करंट आगे, दोनों का करंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो टोटल करंट इज इक्वल टू सिंपली लिखा जा सकता है इन दोनों करंट्स का सिंपली सम I1 प्लस I2। I1 कितना बोल सकता हूँ, इसके करिस्पॉन्डिंग करंट n, इसका चार्ज e, एरिया a ही है और वेलोसिटी हो गया v, प्लस उसी तरह से इसकी बात की जाए n, चार्ज e की जगह आ गया 2e, एरिया बना हुआ a और वेलोसिटी है v बाय 4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन ई ए वी है ना, एन ई ए वी बाई 2 विच इज 3/2 एन ई ए इंटू क्या बोल दिया जाए v, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। बस इस रिजल्ट का यूज किया आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये है क्वेश्चन नंबर मेरा 4 करके। नंबर 5 लिखा हुआ है 3 कॉपर वायर्स हैव लेंथ इन द रेशियो 5:3:1 एंड मास इन द रेशियो 1:3:5। L1:2, L2:3 लेंथ का रेशियो दिया हुआ है हमें 5:3:1 करके एंड सिमिलर वे में मास का रेशियो दिया हुआ है m1:2, m2:3 इसका रेशियो दिया हुआ है मुझे 1:3:5। मुझसे पूछा है रेजिस्टेंस का रेशियो बात कीजिए, तो रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं रो एल डिवाइडेड बाई ए।
अब यहाँ पे लेंथ और मास पता है, तो इस एरिया को मैं क्या कर देता हूँ, लेंथ से डिवाइड अगर कर दूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ लेंथ से, तो ये एल स्क्वायर हो गया, और एरिया इनटू लेंथ बनने चल जाता है वॉल्यूम, तो नीचे आ गया वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो है वो लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, बन गया ये रहा। यहाँ से वॉल्यूम लिख सकते हो मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह मास, डेंसिटी ऊपर आ गया, तो इनटू एल स्क्वायर। अब ये डेंसिटी और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो ये तो सेम कॉपर है सभी का, तो ये सेम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम करके आया। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो रेजिस्टेंस का रेशियो है R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये क्या हो जाएगा, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डेट इज L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर, और इनके मास के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेट इज M1 M2 M3। अब मुझे L1 L2 L3 का रेशियो है, तो इनका स्क्वायर किया जाए, यह आया 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और फिर मैं बोल सकता हूँ इनके मास का इन्वर्सरी है प्रोपोर्शनल 1 3 5, यहाँ क्या आया, ये हुआ 25 रेशियो 3 रेशियो 1/5। मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 125 रेशियो 15 रेशियो 1 विच इज योर ऑप्शन नंबर सी करके, तो ये आया मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने। 9 क्वेश्चन मुझे क्या लिखा हुआ है, 9 क्वेश्चन मुझे गिवन है आपको, अब बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना 4 ओम, ये कोई बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सपोज 4 ओम ना, और ये सर्किट डायग्राम मुझे गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ से अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये रहा सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट डायग्राम से यहाँ लिखा गया है आपको, कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन ऑर्डर दैट मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द नेटवर्क वैल्यू ऑफ आर इन ओम शुड बी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, जो इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इस रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करोगे, एक बैटरी ऑफ ईएमएफ की, इसके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आर आर आर, फिर ये बना हुआ है आर, ये बना हुआ है आर, ये बना हुआ है 4R, एंड ये लिखा जा सकता है मेरा 6R करके। अब मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ, ये है आपका R और R करके, ये चीज़ आया 2R, और उसी तरह से ये आया 2R, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R by 2R, 1 ratio 2, 2R by 4R, 1 ratio 2, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इसको हटा सकते हो आप, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है, ऊपर आया R और 2R, और नीचे आया 2R एंड क्या लिखा जा सकता है मेरा 4R, बैलेंस व्हीटस्टोन होने का कारण इसको हटा दिया गया, R और 2R का आया इफेक्टिव आया 3R, और यहाँ पे लिखा जा सकता है 2R और 4R का आया 6R, तो इन दोनों का 3R और 6R का क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट हो गया इज इक्वल टू 18R डिवाइडेड बाई 9R, तो ये हो गया आपने पास 18 by 9 इक्वल टू 2R, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हो जाए फॉर मैक्सिमम पावर है ना सप्लाइड बाई द बैटरी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो 2R की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 4 ओम है, तो यहाँ पे ये जो R कितना होना चाहिए पूछा हुआ है विच इज इक्वल टू 2 ओम, तो 2 ओम मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, यहाँ तक सब लोग। तो आते हैं बात करने क्वेश्चन नंबर 12 पे, लिखा हुआ है ये जो सर्किट दिखा रखा है 4 ओम 6 ओम और नीचे कितना है 5 ओम का, यहाँ पे बोला गया है 4 ओम दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 5 ओम। अब यहाँ पे मुझे बोला है हीट जनरेटेड इन द 5 ओम रेजिस्टर ड्यू टू करेंट फ्लोइंग थ्रू इट, लेट्स से इसमें जो करंट आपका I1 फ्लो कर रहा है, इस I1 करंट के कारण पर यूनिट टाइम आपको कितना हीट फ्लो करता हुआ बोल रहा है 10 कैलोरी पर सेकंड करके आपको गिवन है।
अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि आपको 4 ओम से कितना हीट जनरेट हुआ होगा पर सेकेंड, ये पूछा गया है। अब एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो यहाँ पे आई हो गया आई वन स्क्वायर, आर इंटू टी करूंगा तो यहाँ पे टी से टी कैंसिल हुआ, इक्वल टू 10 आया। यहाँ से आई वन स्क्वायर की वैल्यू, रेजिस्टेंस इस 5 ओम की बात हो रही है, तो ये हो गया अपना आई स्क्वायर आर करते हुए, तो यहाँ से आई वन की वैल्यू आ गई आई वन स्क्वायर इक्वल टू 2, डेट इज आई वन की वैल्यू निकल के आई रूट ओवर 2 एम्पेयर। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ से अगर टोटल करंट आई आया था तो उसमें से 5 है ना ओम से इतना करंट पास किया, तो ऊपर वाले से कितना करंट गया होगा, इसकी अगर बात की जाए तो ये पैरेलल में हो गया, ऊपर 10 ओम नीचे आपका 5 ओम, तो आई वन हम क्या लिख सकते हैं इस टोटल करंट आई का, आप बोल सकते हो कि अगर ये 5 ओम से कितना गया तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लिखो डिवाइडेड बाय इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, तो हम I1 की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है 2 रूट 2 I, टोटल करंट यहाँ से जो आया होगा वो निकालने जाऊँ तो 10/15, 5/2 जा 5/3 जा, तो ये I की वैल्यू टोटल करंट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए 3, रूट 2 से 2 कैंसिल होते हुए 3/√2 क्या लिख दिया हमने, एम्पेयर करके लिख दिया। इसको रैशनलाइज करके मैं बोल सकता हूँ इज इक्वल टू रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज 3/√2 विच इज 1.5√2। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ से 1.5√2 करंट आया जिसमें से रूट 2 एम्पेयर यहाँ गया है ना, यहाँ से आपका करंट आया था आपका 1.5√2, रूट 2 यहाँ गया तो ऊपर से कितना गया होगा 0.5√2 एम्पेयर करंट यहाँ गया होगा। तो पूछा गया आपसे हीट जनरेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर पर यूनिट टाइम, तो इसमें से कितना हीट जनरेट हुआ होगा पर यूनिट टाइम, ये हो गया आई स्क्वायर ना, डेट इज 0.5√2 का स्क्वायर इनटू इस रेजिस्टेंस 4 से कितना है पूछा गया है, तो 4.5 है ना, ये हो गया 1/2 का रूट 2, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2 × 4 विच इज 2 कैलोरी पर सेकेंड करके आया, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी करके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे बात करने, क्वेश्चन नंबर 16 के लिखा है अ सर्किट इज कंप्राइज्ड ऑफ 8 आइडेंटिकल बैटरीज एंड अ रेजिस्टर आर करके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं, तो 8 बैटरी है जिसमें से 4 बैटरी कुछ इस तरह से अरेंज की गई है हमारी, ठीक है, 8 बैटरी में 4 बैटरी कुछ ऐसे अरेंज की है ना, और बची हुई 8 बैटरी को कुछ इस ऑर्डर में रखा गया है, तो ये रहा अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा हुआ है 0.8 ओम का, ईच बैटरी हैज ईएमएफ 1 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपका गिवन है 0.2 ओम करके, 0.2 ओम करके गिवन है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द बैटरी इज, तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, सभी में रेजिस्टेंस सेम है, सभी का है ना इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, सभी का ईएमएफ सेम है, हमसे पूछा है किसी भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब मुझे निकालना पड़ेगा कि कितना करंट पास किया होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बोलूँ ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो आप क्या बोल सकते हो इस 0.8 ओम के है ना दोनों साइड में कितना टोटल लेट्स से इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ होगा, तो 0.2 × 4 ये हो गया 0.8 ओम, और उसी तरह से 4-4 वोल्ट करते हुए यहाँ पे इफेक्टिव वोल्टेज आ गया इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 111 किया जाए 4 बार या 4 वोल्ट, उसी तरह से यहाँ पे अगर बोलें तो ये भी सेम होगा, बस ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो उतना ही है, और यहाँ पे क्या कह सकते हैं ये आपका नीचे होते हुए कुछ इस तरह से, तो ये आया आपका 4 वोल्ट करके हम बोल सकते हैं, और ये इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 0.8 ओम करके हो गया। अब हमसे पूछा है वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द बैटरी कितना होगा, तो लेट से इसको हम रेफरेंस के तौर पे अगर हम 0 रखना चाहें 0 रख सकते हैं, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
तो इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटा के इस पे करते हैं। तो इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। लेट्स से ये रहा ना, ये मेरा सर्किट रहा, और वैसे ही नीचे वाला सर्किट बस टर्मिनल उल्टा हो गया और ये रहा। तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा 0.8, ये भी 0.8 और ये भी 0.8 ओम, और बैटरी है 4 वोल्ट करते हुए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सपोज यहाँ से करंट अगर I1 आया और यहाँ से करंट आपका है ना, लेट्स से I2 आया ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं आपका लेट्स से यहाँ से करंट अगर I2 आया तो यहाँ से टोटल कितना करंट गया होगा, हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 करके आप लिख सकते हो। अब एक लूप 1 सॉल्व करो, एक लूप 2 सॉल्व करो, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ से लूप 1 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से हो गया प्लस 4 माइनस 0.8 I1, फिर यहाँ से आ जाऊँगा तो माइनस 0.8 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से बन क्या आया अपना 4 माइनस 1.6 I1 माइनस 0.8 I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 0.8 है ना ये रहा, तो लेट से 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40 माइनस 16 I1 माइनस 8 I2 इज इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड किया जाए 5 माइनस 2 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह से इस वाले लूप में बात करो, तो यहाँ से मैं यहाँ बोल सकता हूँ करंट इस साइड में जाते हुए ये वन क्या है मेरे पास इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो माइनस है ना, ये आया 0.8 I2, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये हो गया माइनस 4, और फिर इस डायरेक्शन में जाऊँगा दिस इज माइनस 0.8 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, फिर से क्या हो गया 0। फिर सिंप्लीफाई करो तो ये आया अपना माइनस 0.8 माइनस 0.8 इज 1.6 I2, फिर माइनस सारे कैंसिल हो गया 0.8 I1, फिर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से है ना 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया 2 I2, ये हो गया आपका I1 और ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू क्या निकल गया है अपने पास 0। अब इन दो इक्वेशन को अगर मैं देखूं, इन दो इक्वेशन को जैसे ही मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पड़ा हुआ है एक में है ना 2I1 प्लस I2, तो यहाँ से I2 की वैल्यू वहाँ रख दो चाहे, तो यहाँ से I2 की वैल्यू आई मेरे पास 5 माइनस 2I1, इसको यहाँ रखता हूँ I2 की जगह, तो 2 टाइम ये करूँगा तो ये आया 10 माइनस 4I1 प्लस I1 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3I1 इक्वल टू 15, दैट इज I1 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर आया, और I1 की वैल्यू 5 यहाँ रख दी जाए तो I2 की वैल्यू आ गई माइनस 5, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ किसी भी बैटरी के अक्रॉस, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ से कितना करंट आया होगा है ना, I1 की वैल्यू 5 आई, तो किसी भी बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो ये डिस्चार्जिंग सेल है, तो ये हो गया ई माइनस IR, तो ई तो है आपका सभी का सेल का 1 वोल्ट है ना, माइनस आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू पड़ी हुई है आपकी 5 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2, तो 1 माइनस 1 निकल के आया मेरे पास 0 वोल्ट करके। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा 16 का आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी करके, तो ये रहा 16 का आंसर सी। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। तो बोला है कि इसमें इंटरचेंज करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये 51 से इंक्रीज किया गया, तो 51 इंक्रीज करूँगा ये हो गया 676। यहाँ से लिख सकते हो P by S is equal to Q by 625, तो यहाँ से लिखा जा सकता है Q by S is equal to P by 676 करके। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से P by Q का रेशियो पड़ा हुआ है S by 625 और यहाँ से P by Q का रेशियो पड़ा हुआ है 676 डिवाइडेड बाय S। P by Q बराबर करते हैं दोनों को, तो यहाँ से आया S by 625 is equal to 676 by S, S square हो गया 625 into 676, तो S यहाँ से निकालोगे आपका आएगा 650 ओम। ये था
सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।